हेलो, आइए देखते हैं आज का रिक्वेस्ट किसका है। और हम लोगों ने पिछली बार आपको काफ़ी दूर तक सारे लोग के प्रॉब्लम्स देख लिए थे। आइए अब यहाँ से स्टार्ट किया जाए। कुमुद जी का देख लिया था हम लोगों ने, चलिए इनका देख लेते हैं जॉब है या नहीं है। तो ये अमसा जी नाम से दिख रहा था वहाँ पे, नाम आप लोग नहीं लिखते, नाम लिख दिया करें। तो इनका क्वेश्चन था गवर्नमेंट जॉब के लिए। चलिए देख लीजिए, बहुत अच्छा, आप गवर्नमेंट जॉब पा रहे हो, ठीक है, आप गवर्नमेंट जॉब लेके आ रहे हैं श्योरली, ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छा गवर्नमेंट जॉब दिख रहा है आपका, उच्च का सूर्य बैठा है, शनि नीच के होने से थोड़ी दिक्कत आपको मिल रही है, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। और ये आपके हस्बैंड वाइफ, क्योंकि हमें पता नहीं आप कौन है, तो ये आपके हस्बैंड वाइफ में एक थोड़ा अंतर दिखा रहे हैं शनि की वजह से, ठीक है, अंतर इन द सेंस डिफरेंस आएगा आपके और आपके हस्बैंड में या वाइफ में, जो भी हैं आप। यहाँ पे देखेंगे केतु और चंद्रमा दोनों बैठे हुए हैं और यहाँ राहु है। ये राहु जो होते हैं थोड़ा हल्का, मतलब इस चीज़ को आप समझ सकें, ये बहुत ब्रेव हैं, राहु जो हैं बहुत ब्रेव हैं, तो ब्रेव तो बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में ये ना झटके में गुस्सा देते हैं, मतलब आपका गुस्सा झटके झटके से आएगा, ठीक है, सनक जैसा होता है ना, लेकिन उतना ख़राब नहीं, लेकिन ये आएगा, ठीक है। ऐसे पुरुषार्थ के घर में देखेंगे तो 6 नंबर कन्या राशि है जिसको गुरु देख रहे हैं, तो ये थोड़ा आपका कह सकते हैं कि आपको ब्रेव होने से रोक रहा है, बाकी गुरु बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है आपको। इसके अलावा आपके वाइफ के बारे में कहा जाए तो, या हस्बैंड के बारे में, तो वो गुड लुकिंग होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, गुड लुकिंग होंगे, अच्छा दिमाग रहेगा, सब कुछ बढ़िया दिखा रहा है इसमें, बट थोड़ी मैरिड लाइफ में दिक्कत दे रहे हैं राहु और केतु, क्योंकि आप मांगलिक भी हैं और मंगल की चौथी दृष्टि भी बन रही है, ठीक है, तो इस चीज़ को अभी कंसिडर करेंगे, इसका उपाय भी करते रहेंगे। बाकी आप गवर्नमेंट जॉब पा रहे हैं, नो डाउट, बहुत अच्छा कुंडली कहेंगे इसको। अच्छा हुआ हमने अच्छे कुंडली से स्टार्ट किया है आज, तो अब अच्छे कुंडली देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट चार्ट को। तो यहाँ देखेंगे कि इन्होंने मैरिज के बारे में पूछा। देखिए मैरिज के लिए ना आपको जेंडर अपना लिखना पड़ता है, इसलिए रीज़न क्या है, क्योंकि पुरुषों में और स्त्रियों में अलग अलग ग्रह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कारक हो जाते हैं इन सब चीज़ों के, जैसे शुक्र और गुरु दो अलग हैं और ये अलग जेंडर में अलग काम करते हैं, तो आप मैरिज के बारे में लिख देंगे। वैसे आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ा दिक्कत दिखा रहा है, आप हमें अपने चार्ट का स्क्रीनशॉट भेज के आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आइए सुवम दास जी का भी देख लेते हैं, जॉब एंड शादी, चलिए इनका भी देख लेते हैं। तो सुवम दास जी का ये डिटेल है, इसको आप लोग चेक कर लें और देखें। तो इन्होंने फिर से सेम क्वेश्चन पूछा है जॉब के लिए, और किसके लिए पूछा है, गवर्नमेंट जॉब के लिए। अभी जस्ट इससे पहले वाले चार्ट को याद करिए, सेम उसमें भी सूर्य यहाँ थे और गुरु यहाँ थे, बस क्या अलग था, राशि अलग थी, तो सूर्य की राशि अलग होने की वजह से आपके गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट जॉब तो दिखा रहा है मेहनत के साथ दिखा रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है, परेशान होने की बात नहीं है, गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करिए, गवर्नमेंट जॉब पर ले सकते हैं, आप तैयारी कर भी रहे होंगे। और गुरु भाग्य में बैठे ये भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, चंडाल योग भी बना हुआ है, ठीक है। तो शुक्र और गुरु के साथ होने से थोड़ा सा दिक्कत यहाँ आ जाती है, बट इस ओके, कोई बात नहीं। आइए देखते हैं मैरिड लाइफ के बारे में, गवर्नमेंट जॉब है आपका, इसलिए आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए। उच्च का चंद्रमा है, बहुत बढ़िया, रिसर्च में बहुत दिमाग लगता है इनका, बहुत मन लगता है किसी चीज़ के डिटेल में जाने में, इनका बहुत अच्छा कह सकते हैं दिमाग है, फिल्म इंडस्ट्री या फिल्म से रिलेटेड या फिर कोई भी रिसर्च से रिलेटेड, क्योंकि चंद्रमा है ये साइकोलॉजी, ब्रेन के काम, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो है ना ये आपको बहुत अच्छा, हमेशा बहुत अच्छा एक दिमाग दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, बहुत अच्छा दिमाग आपको कहा, जैसा कि आपके पास है, इसका आप बहुत अच्छे से यूज़ करें। सेकंड हाउस में मंगल होने से आपके प्रॉपर्टी तो अच्छी दिख रही है, मतलब आपके घर है आपके पास, ठीक है, आपके पेरेंट्स के थ्रू आया हुआ दिख रहा है, लेकिन आपके वाणी भाव में थोड़ी कठोरता आ गई है मंगल की वजह से, वाणी भाव को थोड़ा सा अच्छा करिए, वाणी भाव में प्यार होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत तो आती है। ओवरऑल ये एक अच्छा चार्ट कहा जाएगा। आइए मैरिड लाइफ के बारे में देख लेते हैं। मैरिड लाइफ में 1 नंबर लिखा है मंगल, इसके स्वामी है मंगल, अपने ही घर में बैठे हैं, बहुत अच्छे कंडीशन में है ये, इसको देख कौन रहा है,
केतु देख रहे हैं। इससे पहले वाले चार्ट में भी केतु की प्रॉब्लम थी, ठीक है। इसके अलावा कोई और तो नहीं देख रहा, नहीं देख रहे, चलिए बढ़िया बात है। तो आइए अब देख लेते केतु की वजह से क्या मानसिक टेंशन आपकी मैरिड लाइफ में है। मानसिक टेंशन दिख रहा था आपकी मैरिड लाइफ में। मंगल सूर्य, खुशियों में मंगल सूर्य आ गया, यानी कि गुस्सा और ईगो ये दोनों आ रहा है आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, ठीक है। ईगो क्लैश दिख रहा, गुस्सा दिख रहा उसी वजह से, ठीक है। बाकी ओवरऑल सब कुछ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा शुक्र है आपका, बहुत बढ़िया। यहाँ गुरु नीच के हो गए हैं, ओ इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसको भी ठीक करेंगे। आपके लिए गुरु कैसे हैं वो यहाँ से देख ली जाती है कि उनके जो राशि हैं उनको कैसे घर मिले हैं। ये आपको मालूम होगा रोग का घर है, ये ब्रेवरी का घर है, लेकिन इसको शुभ घर में नहीं काउंट किया जाता, इसलिए कहा जा सकता है कि आपके लिए गुरु अच्छे नहीं हैं। और अभी तीन नंबर पर हैं, तीन नंबर किसका है, बुध का है। बुध के साथ ये समस्त है, मतलब सम्रा व्यवहार है इनका। तो हम गुरु को ठीक करेंगे। गुरु को कैसे ठीक करेंगे, आप गुरु का बीज मंत्र पढ़ेंगे, ठीक है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवै नमः, इसको आप पढ़ें और पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, ठीक है। आप देखोगे कि आप अपना जो टाइम टेबल बना रहे हो उसमें कमी आ रहा है, कि अपने टाइम टेबल को लगन का देखें, लगन 6 डिग्री, हाँ फॉलो करने में दिक्कत आ रही है। तो आपका टाइम टेबल है जो उसको आपको डेली उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो। देखिए गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लगन और सूर्य और गुरु। मेरा एक गवर्नमेंट जॉब पे वीडियो है, उसको डिटेल से देखिए आप समझ जाएंगे। तो आप IAS भी निकाल लो, ठीक है, निकाल लोगे, बस आपको समझना है उसको, अगर समझ गए तो निकाल लेंगे। आप टाइम टेबल बनाइए और उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए और उसमें पढ़ाई को जगह दीजिए, ठीक है, पढ़ाई को जगह दीजिए। क्योंकि आपके में दिख रहा है गुरु की कंडीशन ना अच्छा होने की वजह से आप लगातार लंबा बैठ के पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और सूर्य तो अच्छा है, टाइम टेबल बना के फॉलो करेंगे, लेकिन यहाँ क्योंकि लग्न थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है इस वजह से उसको फॉलो करने में दिक्कत आ रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि इसका कनेक्शन आके भाग्य से हो गया, आप गारंटी आप अच्छा जॉब लेंगे, नो डाउट, बहुत अच्छी बात है। शुक्र की राशि में चंद्रमा भी उच्च का होकर बैठा है, बहुत अच्छी बात है। ये कर्म का घर है, कर्म के घर से पूरा फायदा आते हुए दिख रहा है ना। तो आप जॉब लेंगे, नो डाउट गवर्नमेंट जॉब लेंगे, चलिए बाकी सब कुछ बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छे से पढ़ाई करिए और जैसा हमने कहा करिए, गुरु का मंत्र जाप करते रहेंगे, साथ में शुक्र का भी कर लीजिए, ठीक है। ये आपके लग्न के स्वामी हैं तो लग्न को और मजबूत कर देंगे, ठीक है। तो आपने इनके लिए, गुरु के लिए जो होता है वो ग्राम ग्रीम ग्रोम है, आप इनका मंत्र गूगल करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। और शुक्र का जब होता है सेम तरीके से होता है, बस उसमें शब्दों का परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। ओम ब्राम ब्रिम ब्रम हो जाएगा वो, ठीक है। वैसे हम आपको भेज देंगे, ठीक है, और उसका अच्छे से पढ़ें। बीज मंत्र कहा जाता है, उसका अच्छे से करें, या उसका गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, या इनका आप एक मंत्र होता है वैदिक मंत्र कहा जाता है, थोड़ा तांत्रिक मंत्र होता है, इनमें से किसी का भी लेके आप डेली पढ़ना होगा एटलीस्ट 108 बार। बहुत अच्छा कुंडली है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा और आप ज़रूर अच्छे पद पे जाने वाले हैं। चलिए मिलते हैं आपसे फिर कभी, और जो भी ज़रूरत हो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट रिक्वेस्ट देखते हैं। हाँ ज्योति जी का, आइए ज्योति जी का देखते हैं, इनका चार्ट अच्छा होगा। वैसे हम अभी आपको बताते रहे, क्योंकि कुछ लोगों के चार्ट से थोड़ा सा ये फील आ जाता है कि हाँ ऐसा होने वाला है। तो देखिए आपको बता रहे हैं इनका चार्ट बनाया जाए, तो ये ज्योति द्विवेदी जी का डिटेल है। आइए इसका चार्ट बनाया जाए। अब देखो ये गवर्नमेंट जॉब का घर होता है और यहाँ देखिए सूर्य देख रहा है, बहुत अच्छी बात हो गई, ठीक है। अब यहाँ लग्न की डिग्री देखिए, 18 डिग्री, बहुत अच्छी बात हो गई। गुरु का कंडीशन बस थोड़ा बेहतर नहीं है, ठीक है, इसको ठीक करेंगे। गुरु का कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन ये गवर्नमेंट जॉब के लिए आ रहे, बहुत अच्छी बात है। आपका उच्च का शुक्र भी है यहाँ पे, ठीक है, शुक्र भी उच्च का है और सूर्य भी देख रहे हैं इन सब चीज़ों को। आप गवर्नमेंट जॉब को पाओगे, ठीक है, और बस साथ में आपको एक चीज़ करना होगा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे भी सूर्य उच्च के होते हैं, मालूम होगा, नहीं मालूम हो तो हम बता भी दे रहे हैं आपको, ठीक है। ओवरऑल इसको हम एक बहुत अच्छा चार्ट कहेंगे।
शनि की दृष्टि बनी हुई है भाग्य पे और घर पे, तो थोड़ा सा आपको मेहनत दिखा रहा है यहाँ पे, आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए सूर्य का बहुत अच्छा और लग्न का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है, बहुत अच्छा डिग्री है। इसमें क्या होता है, आप टाइम टेबल बनाते हैं कि पढ़ाई कैसा करना है और उसको फॉलो भी कर लेते हैं, ये चीज़ तो यहाँ बहुत अच्छा दिखा रहा है। अब बात आती है गुरु की, क्योंकि ये पढ़ाई रिप्रेजेंट करते हैं, कितना पढ़ रहे हैं, तो आप चीज़ों को अधूरा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, अधूरा ना छोड़िए। और पढ़ाई का है जितना टाइम आपने दिया है उसको थोड़ा बढ़ाइए, ठीक है, पढ़ाई के टाइम को बढ़ाइए, ठीक है। आपके बैठ के लगातार पढ़ने की क्षमता कम हो रही है, उसको ठीक करें, ठीक है। क्यों? क्योंकि गुरु यहाँ पे नीच के हैं, और गुरु का बीज मंत्र ज़रूर से पढ़ें, डेली पढ़ें, सुबह शाम पढ़ें, 108 बार पढ़ें, और बस तैयारी करिए। आपका गवर्नमेंट जॉब है, श्योर है, मेहनत के साथ कीजिए, गवर्नमेंट जॉब आपका दिख रहा है, ठीक है। उच्च का शुक्र दिख रहा, गुरु भी अच्छा रिस्पॉन्स देंगे क्योंकि ये दृष्टि इनके हाई में चली जाती है। वक्री मंगल है इसलिए ये यहाँ 4 नंबर पे रिस्पॉन्स देंगे, जो कि नहीं ठीक होता है इनके लिए, और यहाँ पे आ जाएंगे इनका असर भी मंगल का। चलिए इस बारे में हम डिस्कशन बाद में करेंगे, पहले अभी आप जान जाओ कि आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो सूर्य की वजह से और लगन की वजह से, ठीक है। गुरु थोड़ी दिक्कत दे रहे हैं जिसका आप इलाज कर सकते हो, कैसे, मंत्रों से, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगा, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ एक चीज़ और, जब शुक्र ऐसे होते हैं ना, इस जगह पे शुक्र हाई होते हैं अगर, जैसे दिख रहा है आपको, तो ये थोड़ा सा आपको मोबाइल इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा लेके जाते हैं, इस चीज़ से बचेंगे, किसी भी फालतू कनेक्शन से बचेंगे, पढ़ाई पे सीरियस रहेंगे, टाइम टेबल को फॉलो करेंगे और अच्छा रिस्पॉन्स लेंगे, क्योंकि इसका कनेक्शन भी इसके साथ हो गया है, इसलिए थोड़ा आपको समझदारी से काम करना है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। मोनिका जी वानी कलर करें, आप हमसे कभी भी कैसे भी किधर भी कांटेक्ट में रह सकते हो, हम हर जगह हैं, आप हमें फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह कर सकते हो, हम लिंक दे देंगे इस वीडियो में भी, तो आप कांटेक्ट में रह सकते हो। आपका चार्ट भी अच्छा था, आप ज़रूर से जॉब निकालेंगे, ये आपका तो देख लिया था रविंद्र मुर्मू जी, आपका हमने देख लिया था ना, चलिए ठीक है। चलिए मुर्मू जी का एक और चार्ट है, आई डोंट नो ये किसका है, नंदिनी जी, ठीक है, चलिए नंदिनी जी का देख लेते हैं। और मुर्मू जी आपको सब्सक्राइबर पे ध्यान देना होगा, आइए बढ़ाइए सब्सक्राइबर, आप भी हेल्प करिए, सपोर्ट करिए, प्यार करिए। चलिए इनका चार्ट बनाते हैं, तो ये नंदिनी जी का चार्ट है, ठीक है, आइए इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए इसमें अच्छा बुरा यानी ऊंच के नीच के सारे प्लैनेट को आप लोग देखें और समझदारी से बताएं, तो क्या किसी को कोई समझदारी से देखते हुए बताइए जरा हमें। तो कुछ दिख रहा किसी को ऊंच के और नीच के, नहीं दिख रहा, गुड, वेरी गुड, कुछ नहीं है, वेरी गुड। एक प्रॉब्लम बस दिख रही है इनके मैरिड लाइफ में, सॉरी लव लाइफ में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनको एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकअप देखने को मिला है जो इनको तोड़ रहा है अंदर से, ठीक है, और वो किसी अदर कास्ट अदर रिलीजन के लोग का भी हो सकता है, कोई इनको परेशान किया, ठीक है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, आप इनको गाइड करें, इसकी ज़रूरत है, क्योंकि ये इनको सैड कर रहा है, शनि केतु एक साथ होते हैं तो दुखी कर देते हैं अंदर से, ठीक है। इनके जो हस्बैंड होंगे वो बहुत अच्छे रहेंगे, आपको गुड लुकिंग देखने को मिलेंगे, दोनों ही कंडीशन में इनका गुड लुकिंग दिखा रहा है, ऐसो आराम की तरफ इंक्लाइंड होंगे इनके हस्बैंड, ठीक है। इनके बारे में बात किया जाए तो एक नंबर मंगल की राशि है, आइडियाज़ अच्छे आते हैं इन लोगों को, और थोड़े से हल्का सा आप इनके अंदर गुस्सा देखेंगे, बहुत नहीं देखेंगे जब तक कि किसी खराब प्लैनेट की दृष्टि ना हो। केतु की दृष्टि आ रही है तो केतु की दृष्टि में ओवर थिंकिंग की शिकायत आएगी, बहुत ज़्यादा सोचेंगे विचारेंगे, इमोशनल हैं ये, ठीक है, सोचते विचारते और इमोशनल बहुत हैं ये, क्योंकि चंद्रमा की भी दृष्टि है प्लस केतु की भी दृष्टि है, इस वजह से ये ओवर थिंकिंग करते हैं और बहुत इमोशनल है। साथ में यहीं पे आपको देखोगे तो गुरु की दृष्टि आ गई है जो इनको धार्मिक बना रही है, गुरु अपने ही घर में, ये बहुत अच्छी बात है, भाग्य में इनका भाग्य का साथ इनको बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है, ये अच्छी चीज़ यहाँ से दिखा रहा है। सूर्य का भाग में होना भी बहुत अच्छा होता है, गुरु का होना भी बहुत अच्छा है, ऐसे लोग कई बार
गवर्नमेंट से किसी ना किसी थ्रू से जुड़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ से अच्छा कनेक्शन है, देखिए इनके स्वामी ही भाग्य में आके बैठ गए हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं अगर एक नंबर, सात नंबर, पाँच नंबर, एक नंबर होते हैं आपके मंगल, शुक्र और सूर्य। तो मंगल, शुक्र और सूर्य का कनेक्शन देख लीजिए। सूर्य यहीं पर हैं, मंगल यहाँ पर हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। मंगल, सूर्य और शुक्र कहाँ गए? शुक्र यहाँ पर है। शुक्र से कनेक्शन टूट रहा है इनका, मंगल की राशि में है, मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे लव मैरिज के चांसेस बनाते हुए दिख रहे हैं। राहु की बात कर लेते हैं, सॉरी फिर सेकंड हाउस की बात कर लेते हैं। दो नंबर लिखा हुआ है जो कि शुक्र की है और शुक्र यहाँ से देख भी रहे हैं। थोड़ा इनसे बात करिए, इनको गाइड करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इनको कोई और मिस गाइड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, प्यार के थ्रू। तो यहाँ से आप देखेंगे या किया होगा, यहाँ से देखेंगे शुक्र के सेकंड हाउस में दृष्टि बनी हुई है। इनकी आवाज़ इनकी पर्सनालिटी से अलग होगी, या तो ये गाने के शौकीन होंगे, ठीक है, खाने पीने के शौकीन भी होंगे ये, ठीक है। और बात करेंगे प्रॉपर्टी की, तो अच्छा है, बढ़िया दिख रहा है यहाँ पे प्रॉपर्टी भी। यहाँ से देखेंगे चार नंबर है चंद्रमा, चंद्रमा आके इनके पार्टनर के में बैठे हैं। शादी के बाद इनका अच्छा जगह दिख रहा है, वैसे इनका पार्टनर अच्छा दिख रहा है। बस राहु की दृष्टि बन गई है इस पर, देखिए राहु की दृष्टि बनी है। थोड़ा कहा सुनी होगा, उसको चेक करने के लिए हम नौ मास में देख लेते हैं इनके कहा सुनी को कि हाँ यहाँ पे देखिए शनि बैठ गए हैं, तो थोड़ा ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। फिर मंगल राहु झगड़ा बता रहा है, बहुत ये झगड़ा दिखा रहे हैं यहाँ पे। और शनि जो है आपको मालूम ही होगा डिफरेंस जनरेट करवाते हैं, तो यहाँ पर इनके ओवरऑल जो मैरिड लाइफ है उसमें संघर्ष दिखा रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है आपके यहाँ देखिए फिफ्थ हाउस में केतु के होने से इनको एक बच्चे के भी एबॉर्शन का, मिसकैरेज का खतरा रह रहा है। और सिर्फ राहु के यहाँ देखने से ये प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, राहु के यहाँ देखने से ये प्रॉब्लम आई है जिसको हम लोग सही करेंगे। चलिए चार्ट तो बढ़िया है। इसके अलावा थर्ड हाउस में देखेंगे तीन नंबर लिखा है बुध, तो अंदर से लुक सॉफ्ट होते हैं क्योंकि बुध देख भी रहा है इसको, सूर्य देख रहा, गुरु देख रहा, ठीक है। तो सूर्य अच्छा होता है, गुरु अच्छा होता है, इसी जगह की बात कर रहे हैं। और मंगल भी इस जगह के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बुध भी थोड़े बचपना लिए होते हैं, तो कहा जा सकता है कि ये ब्रेव है, डिसीज़न लेने में भी ठीक है, सब कुछ बहुत बढ़िया दिखा रहा है इसमें। बात करेंगे ओवरऑल ये एक अच्छा चार्ट भी कहलाएगा, कुछ चीज़ों पर ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे, अच्छा चार्ट कहलाएगा। चार नंबर चंद्रमा का होता है, इस घर से मम्मी के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, आपको पता ही होगा खुशियों के बारे में। चार नंबर खुशियों के लिए ठीक है, प्रॉपर्टी के लिए नहीं उतने बेहतरीन, लेकिन मम्मी के लिए भी ठीक है। शांत स्वभाव की मम्मी यहाँ दिखा रहा, और क्या उसको कोई और देख रहा है, क्या नहीं देख रहे, नहीं देख रहे, चलिए बढ़िया है। पाँचवें घर में हमने ऑलरेडी बता दिया है, शनि की वजह से कुछ डिफरेंट मतलब दिखा रहा है, किसी या तो एज में बहुत बड़ा, या एज में बहुत छोटा, या अदर कास्ट का, या अदर रिलीजन का, कोई इनको एक धोखा देने वाला है बहुत, ठीक है। और मिसयूज से बचना है, क्योंकि शुक्र आके एर्थ हाउस में बैठ गया है, कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा इनको सहमति रहेगी, इसीलिए ये प्रॉब्लम बड़ी दिख रही है। तो इसलिए हमने कहा आपको गाइडेंस में इनको रखना होगा। चौथे छठे घर की बात करेंगे, यहाँ मंगल देख रहे हैं, मंगल देखने की वजह से थोड़ा सा एक्सीडेंटियल रहेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, छोटे मोटे एक्सीडेंट यहाँ पे दिख रहा है कि हो रहे हैं। साथ में शनि कहाँ गए, शनि खराब हुए हैं, लो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकता है। ऐसे ही आएंगे सेवन्थ हाउस को देखेंगे, सेवन्थ हाउस में शुक्र की राशि है और शुक्र आके छः में बैठ गए हैं, ये थोड़ा दिक्कत दे रहे हैं यहाँ पे। और ये ओवरऑल एक अच्छा हस्बैंड तो दिखा रहा है, गुड लुकिंग दिखा रहा है, यहाँ से गुड लुकिंग दिखा रहा, लेकिन थोड़ा दिक्कत यहाँ इनकी वजह से हो गया है, राहु की वजह से गुस्से की प्रॉब्लम आ रही है ना। आइए इस घर से जो चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में उसको देखा जाता है, और अच्छे बुरे दोनों चेंजेस होते हैं यहाँ पे, जैसे प्लेनेट वैसे चेंजेस। तो यहाँ से हम चेक करेंगे कि इसको कौन देख रहा। ओके, एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ राहु की दृष्टि के साथ साथ शनि की भी दृष्टि है, इसी वजह से ये दिक्कत आपको देखने को मिल रही है।
चलिए, इसको ये गाइडेंस की ज़रूरत है, इनको गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हो सके तो इनसे बात करिए और पूरी बात इनसे जानते रहिए, गाइड करते रहिए, ठीक है। हम हमेशा अवेलेबल हैं, मेरे किसी भी नंबर पे आप, सॉरी, मेरे किसी भी जगह से आप हमसे कांटेक्ट में रह सकते हैं। शुक्र का यहाँ होना थोड़ा सा इनको दिक्कत देगा। आइए नौवें घर की बात करते हैं। यहाँ गुरु बैठे बहुत अच्छी बात है, सूर्य बैठे बहुत अच्छी बात है। ये लोग, ये कंडीशन तो बहुत अच्छा है भाग्य का, ठीक है। यानी इनके लाइफ में सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, जैसे हो सकता है ये इनका किस्मत है कि हम लोग इनका चार्ट देख रहे हैं और अब इनके तरफ हम लोग का रुझान रहेगा, इनको हम लोग गाइड करेंगे और इन सब चीज़ों से ये बाहर निकलेंगे। ये यहाँ क्योंकि भगवान विष्णु खुद गाइड कर रहे हैं इनको, इनको उनका पूजा भी करना है, अच्छा रिस्पॉन्स देंगे उसके लिए। ये कर्म घर है, कर्म घर में शनि का नंबर होना बहुत अच्छा होता है क्योंकि कर्म के मामले में शनि बहुत अच्छे हैं। फिर यहाँ पे आपको मंगल की दृष्टि भी मिल जाएगी, और भी अच्छा हो गया, ठीक है, और भी अच्छा हो गया। तो यहाँ से कह सकते हैं आप कर्म प्रधान लड़की हैं, ये कर्म करती हैं, अच्छी बात हो गई। एक चीज़ आप देखेंगे कि केतु की भी यहाँ दृष्टि है भाग्य में, तो ये जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ये इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि केतु जो है भाग्य में से कहीं ना कहीं कुछ फल काट रहा है। आइए ग्यारहवा घर की बात करें। ग्यारहवा घर में राहु बैठा है, पैसा कमाने के लिए भी अच्छा होता है ये, ठीक है, पैसा कमाने के लिए भी अच्छा होता है। इनको सपोर्ट के साथ कमाई मिलेगी, मतलब मेहनत तो है लेकिन सपोर्ट रहेगा इनको, किसी के सपोर्ट से पैसे कमाएंगे। बारहवें घर की बात करेंगे, बारह नंबर लिखा है, विदेश भाव भी कहलाता है, विदेश अनैतिक सेक्स, ये सारी चीज़ों को भी यहीं से देखा जाता है। गुरु की दृष्टि है यहाँ पे, सॉरी गुरु की राशि है यहाँ पे, अच्छी बात है। और इसको कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है इसको चेक कर लेते हैं एक बार। चलिए अच्छी बात है, कोई नहीं देख रहा, तो ये पे यहाँ पे सब कुछ बहुत बेहतर है। गुरु की दृष्टि बनी हुई है इसलिए इनको पूजा पाठ में थोड़ा मन लगवाइए, बहुत अच्छी बात है। वाओ, लग्न की कंडीशन तो बहुत अच्छा है। ये तैयारी कर रही हैं क्या, फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हैं ये? अगर कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट जॉब निकालने के चांसेस भी हैं इनके, ठीक है। इनका सपोर्ट करिएगा, गाइड करिएगा और इनसे हमारी बात हो सके तो करवाइएगा, क्योंकि ये हो सके तो आपको ये ना भी बताए, लेकिन इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें चल रही हैं जो समझने की ज़रूरत है। चलिए आइए नेक्स्ट रिक्वेस्ट देखते हैं। तो यहाँ प्राजक्ता जी का है, चलिए प्राजक्ता जी का भी बनाया जाए। तो ये प्राजक्ता जी का है, चलिए इस प्राजक्ता जी के चार्ट को भी देख लें क्या है, इनका डिटेल आप देख लीजिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छा सूर्य है, बहुत बढ़िया सूर्य, तो कंडीशन बहुत अच्छा है, सेल्फ रिस्पेक्ट आपका बहुत अच्छा है। लग्न में चांडाल योग बन रहा है, थोड़ा परिश्रम आपकी लाइफ में दिख रहा है और गुरु का अच्छा कंडीशन आपको धार्मिक बना रहा है, ठीक है, गुरु का कंडीशन आपको धार्मिक बना रहा है, ये बहुत अच्छी बात हो गई है। बुढ़िया आपका शुक्र खराब है, इसको ज़रूर से ठीक करिए क्योंकि ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। शुक्र खराब है, शुक्र का बीज मंत्र पढ़ना होगा, डेली पढ़ना होगा, 108 बार एटलीस्ट पढ़ना होगा, ये ज़रूरी है। शनि का यहाँ बैठना कुछ मामलों में ठीक नहीं होता, कुछ मामलों में अच्छे हैं। तो जैसे कि आपको हम बता दें कि ये एक आपके लाइफ में अदर कास्ट अदर रिलीजन के लोग को आपके लाइफ में लेके आते हैं, या बहुत बड़ा एज गैप आपके सामने दिखेगा, ये चीज़ दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। इनकी तीसरी दृष्टि भी बनी हुई है आपके मैरिड लाइफ पे, जहाँ केतु बैठे हुए हैं, तो यहाँ से आपके मैरिड लाइफ में थोड़ी दिक्कत दिख रही है, ठीक है, वो आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कत दिख रही है। शुक्र भी खराब है, इस वजह से किस ये थोड़ा दिक्कत ज़्यादा पता चल रहा है, इसको देखने की ज़रूरत है। इनका कनेक्शन भाग्य से हुआ है, चलिए ये एक अच्छी बात है, इसको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। और आपको जो बोला हमने, शुक्र का बीज मंत्र का पाठ चालू करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शनि प्रभाव डालेंगे, ठीक है, वो शनि प्रभाव डालेंगे। चलिए सेकंड हाउस में देख लेते हैं, आठ नंबर मंगल की राशि है, आप देख रहे होंगे मंगल की राशि है, अच्छा होता है। अब यहाँ पे देखें किसकी दृष्टि है, तो शनि की दसवीं दृष्टि है, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, लोगों को आपकी बातें बुरी लग जाती हैं, ठीक है। आपकी फैमिली, मतलब जो आपकी फैमिली है, मातृ पिता, उनके पास घर था, वो दिख रहा है यहाँ से। अब यहाँ से आ जाते हैं, यहाँ नौ नंबर और चंद्रमा बैठा हुआ है, जिसको मंगल की दृष्टि भी है, कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखा रहा है कि आप बहुत सॉफ्ट हार्ट के हैं, ठीक है, बहुत फीलिंगफुल हैं,
कह सकते हो, भावनाएं आपके में बहुत भरी हुई हैं, इसी वजह से आपको बहुत ब्रेव नहीं कहा जा सकता। मंगल आपको ब्रेव बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत सॉफ्ट हार्ट के हैं। अब यहाँ मंगल के होने की वजह से बहुत अच्छी बात है कि यहाँ मंगल है, ऐसे लोग अपना भाग्य खुद बना लेते हैं, ठीक है। मेहनत करते हैं और मेहनत से रिज़ल्ट आने लगता है, ठीक है, क्योंकि इनका इफ़ेक्ट यहाँ भी पड़ेगा और यहाँ भी पड़ेगा। इन तीन जगहों को मंगल प्रभावित करेंगे। तो एक होता है आपका बाहर जाने का योग होता है, एक होता है आपके सुख का भाव, या कह लीजिए यहाँ प्रॉपर्टी, तो घर के ये लिए आपके प्रेरित करते हैं, आपको घर, आपका घर खुद आप बनवा लेते हो। अब यहाँ ब्रेवरी की बात करते हैं तो डिसीज़न लेने में हेल्प करते हैं, ठीक है। यहाँ से मंगल आपको हेल्प करते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। आइए अब आपके हम खुशियों की बात करते हैं। 10 नंबर शनि का है, खुशियों में थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ दिख रही है, मेहनत से रिसीव पा रहे हैं आप। उसके अलावा देखें तो कोई क्या यहाँ देख रहा है क्या, इस चीज़ को चेक करते हैं तो नहीं देख रहे हैं, देख रहे हैं मंगल देख रहे हैं, थोड़ा खुशियों में दिक्कत आ गया। मम्मी भी आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मुँह पे बोलती हैं जो भी है, और गुस्सा दिख रहा है उनके में। चलिए प्रॉपर्टी अच्छा दिख रहा है, प्रॉपर्टी आप बना लेंगे। शनि के लिए पांचवें घर में शनि का होना थोड़ा सही नहीं होता, आपको बताया हमने ऑलरेडी कि किस टाइप की प्रॉब्लम आएगी, है ना। रिश्ते में मतलबीपन आ जाता है, ठीक है। फिर आएंगे छठे घर में, छठे घर से हम आपकी प्रॉब्लम्स देखते हैं, कैसे रोग से रिलेटेड प्रॉब्लम देते हैं। तो यहाँ शुक्र देख रहे हैं, कोई और देख रहा है क्या, इसको भी चेक कर लें तो नहीं देख रहे। शुगर उगर जैसे मीठी चीज़ से आपको हर मीठी बीमारियों से बचना है, ठंड लगने से बचना है, इन सब चीज़ों से बचना है, ठीक है, शुक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम से बचना है। सप्तम भाव में केतु बैठा है, प्लस उसको शनि देख रहा है, ये थोड़ा सही नहीं है। मैरिड लाइफ में दिक्कत दिखा रहा है, तो हम मैरिड लाइफ को भी चेक कर लेते हैं। हाँ मैरिड लाइफ में दोनों ही दिक्कत है, देखिए केतु दिख रहा था वहाँ पे, तो केतु है, शनि की दृष्टि थी, यहाँ मंगल बैठे हुए हैं, ठीक है, और शनि की दसवीं दृष्टि भी बन जा रही है, इस वजह से ये थोड़ा मैरिड लाइफ में आपको दिक्कत दिखा रहा, ठीक है। गुरु शनि दोनों साथ में खुशी वाले घर में, थोड़ा सा कोर्ट कचहरी का योग बना रहा है ये, तो ये एक अच्छा दिखा रहा है इंडिकेशन। सिर्फ राहु को छोड़ दें तो ये इंडिकेशन बहुत अच्छा होता है। उच्च का सूर्य भी है आपका, बहुत बढ़िया। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं क्या? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो अगर तो करिए, चांसेस दिख रहे हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी करिए, आपके गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकते हैं आपको। सूर्य का मंत्र जरूर पढ़िएगा, सूर्य और गुरु का, दोनों का, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे लग्न कमज़ोर हो गया है, तो आपको सूर्य का पढ़ना होगा, सॉरी और शुक्र का पढ़ना होगा, सूर्य का और शुक्र का पढ़ना होगा। और गुरु की डिग्री कितनी है? गुरु अच्छे कंडीशन में है, गुरु की कंडीशन बहुत अच्छी है आपके, तो आप किसको पढ़ेंगे? सूर्य का पढ़ेंगे और शुक्र का पढ़ेंगे, ये आपके गवर्नमेंट जॉब में हेल्प करेगा, ठीक है। ओवरऑल चार्ट अच्छा है, गाइडेंस की आपको ज़रूरत है, हम हमेशा हैं आपके पास हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह आप हमसे कॉन्टेक्ट में रह सकते हो। लेकिन हमसे कोई भी किसी के बारे में बात करनी हो तो हमेशा याद रखें, आप लोग हमेशा अपना चार्ट हमें भेजें, उसके बाद अपनी बातें कहना चालू करें, तो हमें याद आ जाता है कि ये चार्ट किसका है, या चार्ट से ही हम लोगों को पहचानते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट किसका रिक्वेस्ट है। तो यहाँ हम लोगों ने प्राजक्ता जी का देख लिया, ठीक है, महाराष्ट्र से, ठीक है, वेरी गुड। आइए यहाँ आते हैं, वेलकम ऑलवेज जी, बिल्कुल आपको भी जवाब आ चुका है, थैंक यू सो मच। इंडियन व्लॉग क्या विनोद पारिदा, पारिदा जी आपका हमने देख लिया है, ठीक है, आइए और आप वीडियो देखिए पुराने, हमने आपका पूरा देखा हुआ है, बताया हुआ है। आइए अब इसमें आगे देखते हैं हर्षा राय जी का। तो यहाँ हर्षा जी का ये डिटेल है, चलिए 67 बर्थ है। देखिए ऐसे लोग का चार्ट देखना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि पूरी लाइफ की बात होती है, और अभी हम लोग जो चेक करते हैं वो इनकी लाइफ में हो चुके रहते हैं मैक्सिमम टाइम आप देखोगे, तो इन लोग के चार्ट देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। आइए अब पहली चीज़ देखेंगे, लग्न में कभी भी गुरु बैठे अगर और शुक्र बैठे तो क्या इंडिकेशन देते हैं। सबसे पहली चीज़, 5 नंबर सेल्फ़ रिस्पेक्ट बढ़ाता है,
ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट इनका इसी बात पे भी हो जाता होगा, जो चीज़ इनको हर्ट करती होगी, इनके ईगो को हर्ट करती होगी, उस वजह से इनका कॉन्फ्लिक्ट होगा। दूसरी चीज़ एक और ध्यान देंगे कि गुरु बैठा है, ये इनको धार्मिक बनाता है, गुरु इनको धार्मिक बनाता है, ये धार्मिक प्रवृत्ति की होंगे, इसीलिए हम लोग से कॉन्टैक्ट में भी हैं। शुक्र का होना इनको गुड लुकिंग बनाता है, यानी आप इनसे बात करें और पता करेंगे कि ये अपने एज के, मतलब शुरुआती एज में बहुत गुड लुकिंग रही होंगी, क्योंकि शुक्र है, ठीक है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ दिखा रहा है, स्किन कलर यहाँ येलोइश दिखेगा आपको, ठीक है। फेयर होते हुए स्किन कलर जो होगा ये येलोइश रहेगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ से आप चीज़ें देखेंगे, फिफ्थ सेकेंड हाउस में देखेंगे सूर्य बैठा है, जैसा कि हमने कहा, क्योंकि सूर्य को ईगो की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे और प्लस यहाँ से आप देखो शनि की दृष्टि भी आ गई है, इस केस में क्या होता है हमने आपको पहले भी बताया था। और यहाँ से देखेंगे तो राहु की दृष्टि भी फर्स्ट हाउस में आ गई, यानी इनको गुस्सा आ रहा है, इनको गुस्सा आ जाता है। अब क्योंकि एज बढ़ रही तो इस पे ये कंट्रोल कर लेंगे। हाँ, हमेशा ये याद रखेंगे, मंगल का प्रभाव, कोई भी जो ऐसी चीज़ें होती हैं ना, ये टाइम के साथ कम हो जाती हैं। तो शनि की दृष्टि बनी है सेकंड हाउस में, ये अभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर सकते हैं, ठीक है। इनको कहा जा सकता है कि ये परवाह नहीं करते, लेकिन सही या गलत के साथ रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ यहाँ देखने को मिलेगा, इसी वजह से इनके रिश्ते ख़राब भी हो जाते हैं, क्योंकि हर किसी को सही सुनना पसंद भी नहीं है और सही भी नहीं है। तो आपको ये चीज़ें छोड़नी होंगी, मुँह पर नहीं बोलना आपको किसी को सही, ये शनि का दृष्टि की वजह से ऐसा हो रहा है। और वहाँ सूर्य बैठा है तो ये लोग बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी बात कहते हैं, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि शनि और सूर्य का वहाँ पे दृष्टि बनी हुई है सेकंड हाउस में, जो कि बातचीत करने को दिखाता है। बात अगर हम करें इनके फैमिली में कोई, मतलब इनके फैमिली में कोई गवर्नमेंट से रिलेट मतलब करता हुआ होगा राजनीति में या गवर्नमेंट जॉब में या ऐसा कुछ, इसके चांसेस हाई हैं। प्लस गवर्नमेंट जॉब की इन्होंने भी तैयारी की होगी अपने टाइम में, तो ये एक अच्छा चीज़ दिख रहा है इनके कुंडली में, बढ़िया दिख रहा है ये भी, बहुत बढ़िया। पैसे भी दिख रहे हैं इनकी लाइफ में, मतलब इनकी फैमिली से, और इन्होंने खुद भी पैसा कमाया, घर बनाया, ये भी यहाँ पे दिख रहा है, ये भी अभी ये बता देंगे, ठीक है। और थर्ड हाउस की बात करेंगे, थर्ड हाउस में बुध, यहाँ कह सकते हैं सात नंबर शुक्र लिखा है, बुध बैठा है, केतु बैठा है, और उसको कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा। ये तो यहाँ पे इनको बहुत इमोशनल बना रहा है, ऐसा दिखना होना नहीं चाहिए था, क्योंकि सूर्य है यहाँ पे राहु की दृष्टि बनी हुई है और सूर्य की राशि भी है, तो ये पार्ट पूरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके जस्ट उल्टा ये पार्ट आपका काफ़ी वीक है। वीक इन द सेंस ऐसा है कि आप थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है, बहुत भावनाओं में बह जाते हो, डिसीज़न लेने में दिक्कत कर रहा है ये बार बार, ठीक है। ये यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक, ठीक है, अगर इस घर की बात करें, यहाँ मम्मी का देखते हैं, खुशियाँ देखते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी में मंगल का होना बहुत अच्छा है, अपने दम पे ये लोग घर बना लेते हैं, ठीक है, इनका घर होगा, श्योरली होगा। फिर दूसरी बात करेंगे मम्मी की, तो मम्मी में क्योंकि मंगल बैठा है तो गुस्सा दिखा रहा है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली इनकी मम्मी जो होंगी वो थोड़ी गुस्से वाली होंगी, जो यहाँ से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। खुशियों में भी थोड़ा सा टेंशन यहाँ दिखा रहा है, क्योंकि मंगल एंगर है और खुशियाँ जस्ट उसकी उल्टी होती है, तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखा रहा है मंगल की वजह से, गुस्से में खुशियों में दिक्कत दिखा रहा है। थोड़ा क्यों बोल रहा है, क्योंकि मंगल की खुद की राशि है, इसको ख़राब नहीं होने देते हैं, तो दिक्कत तो है मंगल की वजह से। पांचवें घर की बात करते हैं, चंद्रमा बैठा है, बहुत अच्छी बात हो गई, यहाँ पे एक अच्छा प्यार आता है लाइफ में इनके। मंगल चंद्रमा जो है प्यार के कारक होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनको बिना प्यार के रखते कोई ना कोई इनकी लाइफ में आएगा, और क्योंकि लग्न में शुक्र बैठा है तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा चांसेस बना देता है। शनि गुरु और सूर्य का कनेक्शन देख लिया जाता है, तो शनि गुरु और सूर्य कनेक्टेड नहीं है, यानी इनके लव मैरिज के चांसेस नहीं बन पा रहे हैं। छठे घर की बात करेंगे, छठे घर में
और नहीं हो पाने के और एक रीज़न है यहाँ पे बुध का हो जाना, ठीक है, डिसीज़न नहीं लेने दे रहा है। छठे घर में 10 नंबर जो कि शनि का है, ये है यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ कोई और देख रहा है क्या। अच्छा एक चीज़ और देखेंगे, इस घर में दिखा तो रहा है प्यार आना हुआ, लेकिन लव मैरिज नहीं दिखा रहा, इसका मतलब ब्रेकअप तो या दुख तो आएगा ही। और वो कहाँ दिख रहा है, राहु की दृष्टि से दिख रहा है, यानी धोखा दिख रहा है। राहु की दृष्टि बन गई इस घर में, यानी सो ये अब यहाँ पे धोखा दिखाएगा, ठीक है। चलिए आइए छठे घर की बात करते हैं। शनि है, शनि का रोग भाव में बैठना और शनि का इस घर में मतलब ये होता है लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स, इस घर में बैठ जाना और इसके भी शनि का होना। यहाँ पे कोई और देख रहा है क्या, नहीं देख रहा, नहीं देख रहा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम दिखा रहा है, ठीक है। लो ब्लड प्रेशर है क्या आपको, ज़रा बताएं। मंगल काफ़ी सुधार देगा, लो ब्लड प्रेशर को बचाने की कोशिश करेगा, बट शनि लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देख ले मंगल बैठा है, आपको मालूम होगा कि आप मांगलिक हैं और मंगल का प्रभाव आपके मैरिड लाइफ पे भी पड़ रहा है। साथ में यहाँ केतु भी देख रहा है, तो यानी यहाँ पे थोड़ा सा मंगल का मतलब मैरिड लाइफ में आपको दिक्कत दिखा रहा है ये। एक चीज़ और देखेंगे, इस घर में गुरु का भी प्रभाव पड़ रहा है, तो एक सही प्यार भी दिख रहा है इनके लव में, प्यार प्यार वाली लाइफ में। चलिए यहाँ से अब दिक्कत दिख रहा है हम लोग को मैरिड लाइफ में, तो इसको भी हम चेक करते हैं नौ मास से, इनके मैरिड लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट हाउस में शुक्र है, ठीक है, शुक्र की राशि है। अब इसको देख कौन रहा है, चेक करिए, चंद्रमा की सप्तम दृष्टि है। तो यानी कि इनकी ये मैरिड लाइफ को काफ़ी अच्छा हैंडल कर रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। फिर आते हैं खुशी वाले घर में, कितनी खुशियां बनी रहेंगी। शनि का होना नहीं ठीक होता है, प्लस यहाँ राहु की भी शनि की भी दृष्टि है और राहु की भी दृष्टि यहाँ दिख रहा है दिक्कत आपको। एक्चुअल में आपकी मैरिड लाइफ तो चला सकते हैं आप, चलेगी, चांसेस दिख रहा है कि चल सकता है थोड़ा सा उपाय के साथ। वैसे तो आप अभी काफ़ी हैं, एज है आपकी, तो यहाँ आपको दिक्कत दिखा रहा है खुशियों में, शनि और राहु की वजह से दिक्कत दिखा रहा। शनि क्या करते हैं, बहुत संघर्ष देते हैं और कोई एक बहुत ख़राब हरकत की वजह से खुशियों में दिक्कत आती है। फिर राहु क्या दिखाते हैं, झगड़े को दिखाते हैं, तो यहाँ झगड़ा दिखा रहा है, बैड लैंग्वेज, झगड़ा, ये सब चीज़ें यहाँ से देखी जा सकती है। पार्टनरशिप की बात करें तो यहाँ पे चंद्रमा को होना बहुत अच्छा है, ये काफ़ी चीज़ों को हैंडल करके रखे हैं, बचा के रखे हैं, ये एक अच्छा संकेत है। यहाँ से देख सकते हैं कि मैरिड लाइफ निकाला जा सकता है, ठीक है। भाग्य भाव में राहु का बैठना बहुत सपोर्ट नहीं दे पाते हैं, क्योंकि इनका कंटिन्यू सपोर्ट होता ही नहीं है भाग्य में, लेकिन हाँ ये कभी लाइफ में आपको चेंज दे देते हैं, ठीक है, लाइफ में कभी चेंज ला देंगे आपके लाइफ में। क्यों, क्योंकि राहु झटके में ही चीज़ों को लाते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा इसको बुध भी देख रहे हैं, चलिए वो अनमेच्योरिटी की कमी दिखाते हैं बुध, बट ओवरऑल इस ओके, सब कुछ बहुत अच्छा है इस चार्ट में, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब यहाँ से देख लेंगे, आपके पापा को गुस्से वाला दिखा रहा, ठीक है, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है आफ्टर मैरिज, आपकी सास गुस्से वाली होंगी, आपके पापा गुस्से वाले होंगे जैसे दिख रहा है इसमें। ये क्योंकि शुक्र की राशि है, लग्जरी पसंद होते हैं ये लोग, ठीक है, और यहाँ से राहु उनके में झटके में गुस्सा आना, ये एक प्रॉब्लम दिखा रहा है। अब ये आपकी सास में प्रॉब्लम आ जाएगा, और जो कि आपके मम्मी में प्रॉब्लम थी, ठीक है, और इनके ससुर में प्रॉब्लम दिख रही है, सेम उल्टा हो जाता है, ठीक है। बात करेंगे 11वें घर में बुध की राशि है ना, और ये बताता है कि आप कितना पैसा कमाओगे, कैसे कमाओगे, सही से कमाओगे कि नहीं। तो यहाँ से आप दृष्टि देखेंगे, मंगल की दृष्टि बनी हुई है, चंद्रमा की दृष्टि बनी हुई है, और बस हाँ ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि आप इनकम कर सकते हो, इनकम के चांसेस दिखा रहे हैं। एक चीज़ देखेंगे, शनि की यहाँ तीसरी दृष्टि बनी हुई है और मंगल के भी, तो ये कर्म का घर कहलाता है, ठीक है। कर्म के घर में अच्छा रिस्पांस देते हैं शनि और मंगल, कर्मशील बनाते हैं, ठीक है। गुरु का यहाँ देखना
भाग्य में राहु के साथ साथ गुरु भी देख रहे हैं, तो जहां राहु का बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं आ पाता लेकिन गुरु का बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, मतलब इनको ऐसा लगेगा कोई चीज़ें ये ऐसा कर दी हैं जिनसे इनको फ़ायदा हो जाता है अनजाने में। वो क्यों? क्योंकि गुरु गाइड करते रहते हैं। ठीक है, 12वें घर की बात करते हैं, 4 नंबर यानी चंद्रमा लिखा हुआ है। ठीक है, अब वहाँ पे देखते हैं कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा। ठीक है, कोई नहीं देख रहा, तो सिर्फ चंद्रमा का इफेक्ट आएगा और इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, सब कनेक्शन बहुत अच्छा है। 12वें घर को हम लोग अध्यात्म से भी जोड़ते हैं, सेक्स से जोड़ते हैं, मैरिड लाइफ के बाद के चीज़ों से भी जोड़ते हैं, तो ओवरऑल इसमें कोई बुराई नहीं है, सब चीज़ बढ़िया है। यहाँ पे भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, धार्मिक कह सकते हैं कि आप थोड़े धार्मिक हैं गुरु की वजह से, बहुत डीप धर्म की तरफ नॉलेज नहीं लेके जा पा रहा है चंद्रमा। ठीक है, ये ज्ञान का घर है और ये मोक्ष का घर है। ठीक है, तो कह सकते हो मोक्ष का स्वामी आके ज्ञान में बैठा है, नॉलेज के आपके लिए, नॉलेज तो अच्छी चीज़ है क्योंकि गुरु भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो नॉलेज की तरफ आप जाओगे, बट ये मोक्ष की तरफ नहीं लेके जा रहा है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ओवरऑल ये चार्ट एक अच्छा चार्ट कहलाएगा। ज़रा हमें आप ज़रूर से बताएं कमेंट में कि कितनी चीज़ें सही हैं कितनी चीज़ें नहीं, क्योंकि ये सबके लिए काम आएगा, सब कोई सीख सकता है। अब यहाँ पे गुरु का होना बहुत अच्छा माना गया है, इन सबको चीज़ों को आपको डिटेल में हम जानेंगे। पॉसिबल हुआ तो आप हमसे बात करें, हम आपसे बात करेंगे एक्चुअली में, और आपकी चार्ट को हम आपके थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगला रिक्वेस्ट में, देखते हैं। यहाँ है सुवी पटेल जी। ठीक है, आइए सुवी पटेल जी का चार्ट भी बनाया जाए। सुवी पटेल जी, आपने अपना टाइम नहीं लिखा है, यहाँ पे टाइम लिख दीजिए, क्योंकि टाइम के बिना कैसे बनाएंगे इसे। ठीक है सुवी जी, जरा अपना टाइम लिख दीजिए। मनी पटेल, उत्कर्ष पटेल जी का है चार्ट। अच्छा, आप इनके फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा। ओके, देख लेते हैं। तो ये है उत्कर्ष जी का, 6 अप्रैल 2004 2 बजे शाम में, जबलपुर। ठीक है, इनका चार्ट बनाते हैं। ये कह रहे हैं पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इनके कहने के हिसाब से पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, ये ज्ञान का कारक होता है। ये हम लोग देखेंगे इनकी पढ़ाई के लिए, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, पढ़ाई करेंगे, परेशानी की बात नहीं है, पढ़ाई करेंगे। आपका इनके क्लास 3rd के बाद, ठीक है, क्लास जब तक ग्रेजुएशन नहीं कर रहे तब तक इनका मन थोड़ा कम लगेगा पढ़ाई में। ठीक है, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। उसी बीच इनका लव रिलेशनशिप भी स्टार्ट होगा। ठीक है, ऑब्वियसली उसी बीच सबका होता भी है मैक्सिमम लोगों का, तो वो चीज़ दिख भी रहा है। गुरु का स्टार्टिंग स्टेज में एक अच्छी पढ़ाई दिखा रहा है, बचपन में ये पढ़ने में बहुत अच्छे रहे होंगे क्योंकि यहाँ गुरु बहुत अच्छा इफेक्ट डालते हुए दिख रहा है। इसके बाद फिर ये भाग्य पे आ जाएंगे और ये इनका फिर आगे की पढ़ाई और अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है, बस बीच वाले टाइम में थोड़ा सा इनको दिक्कत दिखा रहा है, नॉटी है, थोड़ा नॉटी यहाँ से दिख रहा होगा कि नॉटी है। ओवरऑल अच्छा चार्ट कहेंगे, कोई बुराई नहीं है इसमें। थोड़ा सा शुक्र और मंगल का साथ होने से कामुकता बढ़ा देते हैं। ठीक है, और ध्यान रखेंगे कि और क्या दिख रहा है यहाँ पे। लगन 4 नंबर यानी चंद्रमा का है, जो सुख भाव में आके बैठा है। चलिए, सुख की खोज ये ज़्यादा करते हैं, आराम पसंद रहेंगे ज़्यादा। ठीक है, राहु का कर्म में होना बहुत अच्छी बात हो गई, अब इस चीज़ को ये थोड़ा कम कर देंगे। कहने का मतलब है कि जैसे कि ये सुख में आके बैठ गए लग्न, तो ये सुख खोजेंगे, अपनी मम्मी से कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, और प्रॉपर्टी के चाह रहेगी इनको, क्योंकि यहाँ चंद्रमा आके बैठ गया, जहाँ चंद्रमा बैठ जाता है वहाँ मन बैठ जाता है, लेकिन क्योंकि केतु बैठ गया है ओवर थिंकिंग के शिकार है, ओवर थिंकिंग करेंगे। और चौथे घर से इनको थोड़ी दिक्कत भी देखने को मिलेगी, चौथे घर से। ठीक है, चौथे घर से इन द सेंस इनके मम्मी को हेल्थ इशू जैसी चीज़ों को सामना करना पड़ सकता है, तो इनकी मम्मी ओवर थिंकिंग ना करें और अपना ध्यान रखें, केतु का उपाय करें, वो चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। या इनकी मम्मी का भी चार्ट आप हमें दिखाएं और जो हम उपाय बताएं उसको थोड़ा अच्छे से करें। ठीक है, इसकी ज़रूरत है, ये अपनी मम्मी से ज़्यादा कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, ये एक चीज़ अच्छी यहाँ पे दिखा भी रही है।
वो एक मिसिंग प्रॉपर्टी दिखा रही है यहाँ पे उनके मम्मी पे। पापा वाले केस में थोड़ा झगड़ा तो दिखा रहा है, ईगो थोड़ा गुस्सा दिखा रहा है, कनेक्शन बहुत प्योर नहीं बन पा रहा, बट ओवरऑल सब इसमें अच्छा दिख रहा है। अपने जन्म स्थान पे नहीं रहेंगे क्योंकि शनि आके 12th हाउस में बैठा है, तो जन्म स्थान से ये दूर लेके चला जाता है। ठीक है, पढ़ाई के मामले में भी ठीक है, शुरुआती स्टेज में थोड़ी दिक्कत दिखा रही है। अगर इसको आप अच्छा करना चाहते हैं तो मंगल का उपाय करें, उपाय इन द सेंस कि मंगल का मंत्रोच्चारण करें। मंगल इनके लिए अच्छे हैं, इनके लिए चंद्रमा अच्छे हैं, मंगल अच्छे हैं और गुरु बहुत अच्छे हैं। ये तीनों लोग इनके लिए बहुत अच्छे हैं। तो जब जब इनको हेल्थ इशू हो तो चंद्रमा को उपाय कर लिया करें, हेल्थ पे कंट्रोल हो जाएगा, हेल्थ अच्छा रहेगा इनका। अभी भी हेल्थ ठीक है, बस केतु की वजह से थोड़ा ओवर थिंकिंग की शिकायत दे रहे हैं। मंगल की इनकी अगर आप उपाय करते हैं तो ये सारे रिश्ते में प्यार बना के रखता है, तो मंगल का आप इनका उपाय कर सकते हैं। गुरु का उपाय करेंगे तो ये भाग्य से संबंधित सारी चीज़ें इनको मिलेंगी, भाग्य अच्छा रहेगा। इनकी डिसीज़न आगे क्या करना है क्या नहीं करना है वो गॉड इनको गाइड करने लगेगा। अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे भी यहाँ सूर्य बैठा है, ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा इंडिकेशन दे रहा है। चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चार्ट बहुत अच्छा है, कोई घबराने की बात नहीं है। शनि की दृष्टि एक भाग्य में बनी है इसलिए थोड़ा मेहनत करवाएगा, ओवरऑल कोई परेशानी की बात नहीं, सब कुछ अच्छा है। ठीक है, और इनके लिए एक चीज़ जो हम कह दे रहे हैं कि इनको उपाय की किसकी ज़रूरत है, उपाय की इन द सेंस कोई ऐसा कुछ बहुत बुरा चीज़ नहीं है कि हम ये कह दें कि कोई ख़राब है, कोई ऊंच का है, कोई नीच का है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ओवरऑल चार्ट बहुत अच्छा जा रहा है, ये खुद अच्छा करेंगे, गाइडेंस में रहेंगे और अच्छा करते चलेंगे। बस इनको ओवर थिंकिंग की एक शिकायत है। ठीक है, ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए केतु का उपाय कर लेंगे। ठीक है, केतु का मंत्रोच्चारण करेंगे। स्टोन पहनना हो अगर इनको तो ये मंगल का स्टोन पहन सकते हैं, मूंगा। ठीक है, पहन सकते हैं, लग्न का भी स्टोन पहन सकते हैं क्योंकि उनका पोजीशन भी अच्छा है, चंद्रमा यानी मोती। गुरु की बात करते हैं, गुरु का स्टोन पहना जा सकता है कि नहीं, तो इनका पोजीशन तो ठीक है गुरु का भी, और दूसरी राशि गुरु की है 9 नंबर, 9 नंबर यहाँ रोग भाव में आया हुआ है, तो ठीक है भाग्य इसका आप नहीं पहनेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कंडीशन ठीक है, मतलब अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पहनेंगे। वैसे भाग्य का साथ इनको मिलेगा, सूर्य बैठा हुआ है भाग्य का साथ देगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जितना बचा है उनको अगली बार करेंगे, बैटरी भी ख़त्म होने वाली है, इसे अपलोड करना है। चलिए मिलते हैं, थैंक यू, सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए और सब तक पहुंचाते रहिए। अगर आप लोग आपका अच्छा लगा तो ये मैक्सिमम लोग तक शेयर करें।